ओम शांति। कल 15 अप्रैल 2005 को वाणी चल रही थी 8 मई 1966 की। तीसरे पेज के अंत में बात बताई जा रही थी, तुम बच्चों को तो खुशी में नाचना चाहिए, अंदर अंदर में नाचना चाहिए, बाहर से किसी को खुशी दिखाने की बात नहीं है। वो खुशी तो स्वतः ही दिखाई पड़ेगी, ये सारी अंदर की बात है। अंदर की खुशी बाहर झलकती है। कहाँ वाणी चल रही है? दंड मुकुंद को है? 9:55 की वाणी है प्रातः क्लास। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं, कौन से बाप की याद में बैठे हैं? एक तो होता है शरीर को जन्म देने वाला बाप, दूसरा होता है शरीर में रहने वाली जो आत्मा है, ज्योति बिंदु, उस ज्योति बिंदु आत्मा का बाप सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा, जिस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाते हैं, वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम के रूप में भारत में पूजा जाता है। माना ज्योति का लिंग है और अति सूक्ष्म है, उसको नाक आंख कान हाथ पांव नहीं दिखाई जाते। इसका मतलब है वो निराकार है, लेकिन निराकार इन साकार शक्ति पर साकार मनुष्यों को ज्ञान कैसे सुनाएगा? भगवान के ज्ञान के बगैर तो सदगति और गति हो नहीं सकती। ढाई साल की ये हिस्ट्री बताई रही है, कितने मनुष्य गुरुओं ने ज्ञान सुनाया, शक्ति नीचे ही गिरती चली गई। बजाय स्थान होने के सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा घटन पत्ता पतन के घट में जा रही है। सब अनुभव कर रहे हैं कि हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा कौड़ी मिसल होती जा रही है। जो आत्मा का बाप सोमनाथ मंदिर में आज से 2500 साल पहले हीरे की मिसल दिखाया जा रहा था और हिस्ट्री में 1000 साल के बाद मोहम्मद गजनी ने उस हीरे को तोड़ दिया, लिंग को तोड़ दिया, और हमारे बाप की यादगार धूल धूसरित कर दी। उसकी जो मूर्ति थी साकार मूर्ति, जिसे शंकर की मूर्ति कहा जाता है, 33 करोड़ देवताओं के बीच में एक ही मूर्ति है, जिस मूर्ति में तीसरे नेत्र के रूप में सदा शिव दिखाया जाता है, वो सुप्रीम सोल की यादगार है।
मूर्ति मन साकार, अमूर्त मन निराकार आकार। मन साकार मूर्ति में, चैतन्य मूर्ति में वो सुप्रीम सोल शिव जो आत्माओं का बाप है वो प्रवेश करता है। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी देवता के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता। कोई के साथ शिव का नाम जोड़ा जाता हो तो बताओ। वो तो राजाओं का राजा है, शिवराज का राजा है, तो क्या बड़ी बात। वो तो सारी शक्ति का नियंता बनता है, शक्ति के आदि में नारायण कहा जाता है। शिव नारायण कहा जाए तो क्या बड़ी बात, वो तो एक ही हुआ। वो सारे विश्व का नाथ बनता है, उनके लिए तो कहते हैं शंकर विश्वनाथ कहलाते, राधा कृष्ण उन्हीं से आते। वो सारे विश्व का पिता है। तो शिव और शंकर को मिलाकर के एक कर दिया भक्ति मार्ग में, इसका कारण भी तो होना चाहिए। क्या कारण हुआ, क्या कारण हुआ? शिव ने शंकर में प्रवेश किया तो शिव शंकर को मिला दिया, और किसी देवता में शिव को प्रवेश करके मिला हुआ नहीं दिखाया जाता। शिव ब्रह्मा नहीं कहा जाता, शिव विष्णु नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोले भाले। दो नाम है, दोनों के साथ दोनों का टाइटल लगा हुआ है। शिव नाम पहले, शंकर नाम बाद। बाप का नाम पहले, बच्चे का नाम बाद। तो टाइटल भी उसी हिसाब से नंबरवार लगा हुआ है, भोले भाले। तो भोले कौन हुआ, शिव हुआ या शंकर हुआ? शिव हुआ भोला, और शंकर हुआ भाला। क्यों? इसलिए कि शिव तो सबके लिए कल्याणकारी, किसी के लिए भी कल्याणकारी नहीं। वो है सदा से, क्योंकि वो जन्म मरण के क्षेत्र में नहीं आता। वो तो सबका कल्याण चाहता है, लेकिन सबका कल्याण सिर्फ प्यार स्वरूप से नहीं हो सकता। लव के साथ लाभ ही चाहिए, ये प्रवृत्ति है लव और लाभ। जैसे साकार दृष्टि पर प्रवृत्ति है प्रकृति और पुरुष, ऐसे ही उनके नेचर में, स्वभाव में वो भी प्रवृत्ति चाहिए। पुरुष वो पुरुष ही क्या जो कठोर वृत्ति का न हो, और स्त्री स्त्री ही क्या जिसमें कोमलता न हो, नम्र भाव न हो। तो कोमल मात्र रूप और कठोर पिता का रूप, ऐसे क्यों? दो क्यों? सदा प्यार ही प्यार क्यों नहीं? ये प्यार के साथ प्रवृत्ति मार की क्यों जुड़ी हुई है? हैं?
मनुष्यों को देवता बनाकर जाता है। जो दैवीय स्वभाव की आत्माएं हैं 33 करोड़ नंबरवार, वो आसानी से देवत्व पद प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से देवता थी। संघ के रंग में आकर के द्वापर और कलयुग में द्वैतवादी धर्म पिताओं के संघ के रंग में आकर के मनुष्य से बिगड़ करके राक्षस बन गई। परंतु जैसे ही आखिरी जन्म में वो सुप्रीम सोल बाप उन आत्माओं को आकर के परिचय देता है, बच्चे तुम राक्षसी स्वभाव के नहीं थे, तुम तो देवता थे, तो जो ओरिजिनल देवता थे उनको अपनी स्मृति जल्दी आ जाती है, और वो परमात्मा प्यार से पल करके जल्दी देवत्व पद प्राप्त कर लेते एक ही जन्म। लेकिन इस धरती पर तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, जो तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क से, संबंध से, सब प्रकार से दूसरों को सुख देने वाली बन चुकी है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं देखा होगा जो मन के संकल्पों से और वाचा से या कर्मेंद्रियों के कर्म से किसी को कभी दुख न देता हो। तो आखिरी कलयुगी जन्म में सारी मनुष्य आत्माएं जब ऐसी पतित भ्रष्ट कर्म करने वाली बन जाती है, दुखदायी कर्म करने वाली बन जाती है, तो वो आत्माओं का बाप परम पिता सुप्रीम सोल मनुष्य को देवता बनाने के लिए जो मनुष्य शक्ति का पिता है और जो देवताओं का भी पिता है, और फिर असुरों का भी पिता है, जिसके लिए मुरली में ये वाक्य बार बार आता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। राक्षसों का भी बाप है, राक्षसी वृत्ति खान पान राक्षसी होता है, मांस खाएंगे, गोश्त खाएंगे, अंडा खाएंगे, शराब पिएंगे और कचर पट्टी खा करके बुद्धि ऐसी खराब करेंगे कि उनको यही नहीं ध्यान रहता है कौन हमारी माँ है, कौन बहन है, कौन बहू है, कौन बेटी है। राक्षसी स्वभाव हो जाता है। ऐसे राक्षसी स्वभाव वालों का भी कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ। इसलिए मुरली में बोला है राम रावण बन जाता है और कृष्ण कंस बन जाता है, तो कल्याण के लिए बनता है या अकल्याण के लिए बनता है? कल्याण के लिए बनता है। जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, ऐसे ही ये सारी मनुष्य शक्ति जो कि राक्षसी शक्ति बन चुकी है, उसको सुधारने के लिए सुप्रीम सोल बाप ऐसे बच्चे में प्रवेश करता है
जो हर मायने में हर तरीके से चाहे अच्छे रूप में चाहे बुरे से बुरे रूप में राक्षसी भी पार्ट बजा सकता है और दैवत्व वाला भी पार्ट बजा सकता है। इसलिए मुरली में बोला है और किसी भी धर्म में ऐसा गोरा ऐसा सुंदर पार्टधारी नहीं है और किसी भी धर्म में ऐसा काला और ऐसा कुरूप पार्टधारी नहीं है। उसका नाम क्या दिया है? दोनों पार्ट इकट्ठे एक ही रूप के ऊपर दे दिए, श्याम सुंदर। ऐसा श्याम से श्याम काले से काला धर्मराज का रूप और कोई भी धर्म पिता नहीं बजा सकता और ऐसा सुंदर स्वरूप और कोई धर्म में नहीं समाया हुआ है। इसकी क्या जरूरत? एक ही व्यक्तित्व में डबल पर्सनालिटी की क्या जरूरत है? ये जरूरत है कि जो अच्छे हैं संग के रंग से खराब हो चुके हैं, मूल स्वभाव जिनका अच्छा ही था उनको सुधारने के लिए प्यार ही बहुत काफी है। इसलिए मुरली में बोला देवताएं इशारे से समझ जाते हैं और मनुष्य कहने से समझते हैं और राक्षस या गदावृत्ति के कहने से भी नहीं मानते, अरई लगाने से भी नहीं मानते और बहुत कुछ पिटते रहेंगे तो भी जल्दी नहीं सुधरेंगे। पिटते पिटते जब श्वास गले तक आ जाता है जैसे महिषासुर को दिखाते हैं आखिरी श्वास तक युद्ध करता है, जैसे कंस को दिखाते हैं आखिरी श्वास तक युद्ध करता है, रावण को दिखाते हैं अंदर से समझ जाता है क्या मेरी हार निश्चित है तो भी आखिरी श्वास तक युद्ध करता है। जब गले से ऊपर पानी चढ़ जाता है तब पछताए हो सका जब चिड़िया चुन गई खेत, जो जीवन मुक्ति प्यार से मिलती है वो जीवन मुक्ति तो पाई नहीं, सिर्फ परमात्मा का नंबर दो का वर्षा मुक्ति पाई। हर मनुष्य आत्मा चाहती है मैं जीवन भी जीऊं और जीवन में रहते सुख शांति भोगूं, दुख और अशांति न भोगूं। ये है जीवन मुक्ति और ये जीवन मुक्ति इसी जीवन में जिस जन्म में परमात्मा बाप सुप्रीम सोल आकर के पढ़ाई पढ़ाता है उसी जीवन में जीवन मुक्ति देकर जाता है। ये शरीर रहते रहते उस जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। पांच सौ सात सौ करोड़ मनुष्य आत्मा ये अनुभव नहीं कर सकेंगी। पूरी पूरी जीवन मुक्ति का अनुभव सिर्फ वही आत्माएं कर सकेंगी जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरे 84 जन्म का चक्कर लगाती
हीरो पार्टधारी के साथ ऑलराउंडर पार्ट बजाती है। जिन आत्माओं का एक जन्म भी कम हो जाएगा, मान लो सतयुग के आज में कोई आत्माओं का एक जन्म कम हो जाता है, तो वो आत्मा द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली मानी जाएगी। और कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा देगी। इसलिए सीढ़ी के चित्र में दिखाया है भारत के उत्थान पतन की 84 जन्मों की कहानी, माने 83 जन्म लेने वालों की उसमें कहानी नहीं है, भले वो देवताएं बनते हैं कम कला वाले। तो और कम जन्म लेने वालों की तो बात ही नहीं। तो बाप आकर के बताते हैं, बच्चे बाप की याद में बैठे हैं, बाप को पहचाना होगा तो याद में बैठे होंगे, और पूरी पहचान नहीं हुई होगी तो पूरी याद भी नहीं टिक सकती। मैं जो हूं, जैसा हूं और जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूं, मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते, न पहचान पाने के कारण छोड़ के चले जाते हैं, दुनिया में जाकर के ठोकरे खाते हैं, दुखी होते हैं, पतन के गर्त में गिरते हैं, और हाय हाय करके पश्चाताप करते हैं कि हमने क्या कदम उठाए लिए। याद करना चाहते हैं तो भी याद नहीं आती। बुद्धि को एकाग्र करना चाहते हैं, बहुत छटपट आते हैं तो भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। तो बाप सब बच्चों से पूछते, बाप की याद में बैठे हैं, यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है, इससे श्रेष्ठ मत और कोई होती नहीं। कोई मनुष्य गुरु ये नहीं कह सकता मुझे याद करो, क्योंकि सारे ही मनुष्य गुरुओं को काल खा जाता है। तो जिसको काल खा जाता है वो दूसरों को कहे कि मुझे याद करो, तो दूसरों का भी क्या असर होगा। जिसको काल खा जाता है उसको याद करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, जैसे को याद करेंगे वैसे ही अंत मते तो गति हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मुरली ने बोला इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इसका फोटो नहीं रखना है, समझने के लिए त्रिमूर्ति के चित्र में तो फोटो दिया ही हुआ है, अलग से ब्रह्मा का फोटो रखने की कोई दरकार नहीं। लेकिन जिनका देहधारी गुरुओं से लगाव लग जाता है वो तो फिर अटैचमेंट में आने के कारण याद किए बगैर रह नहीं सकते। ज्ञान ध्यान की बातों को एक तरफ उठा के रख देते, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि मुरली में बोला है मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। अगर मुरली के डायरेक्शन से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार जुट नहीं सकता।
मुरलीधर कौन है? कृष्ण की सोल है क्या? दादा लेखराज ब्रह्मा मुरलीधर बनता है क्या? दादा लेखराज ब्रह्मा अगर मुरलीधर बना होता तो उसकी मूर्ति पूजी जाती, मंदिर बनाए जाते और सारी दुनिया उस प्रभु को याद करती होती। लेकिन त्रिमूर्ति में तीन देवताओं के बीच में सबसे नीचे तबके वाली पुरी में उनका चित्र तो दिखाया गया है। लेकिन भक्ति मार्ग में कोई उन्हें याद नहीं करता, सिर्फ थोड़ा गायन मात्र है। पूजा उसकी होती है जो कोई कार्य को संपन्न करके जाता है। सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा का है, लेकिन दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा नई सृष्टि की रचने का कार्य संपन्न करके नहीं जा पाता, इसलिए दुनिया उनको याद नहीं करती, मंदिर बना के पूजन नहीं करती। लेकिन वही ब्रह्मा की सोल अपना शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य शक्ति की जिस आदि माता में प्रवेश करता है, आदि शक्ति में प्रवेश करता है, वही ब्रह्मा फिर जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। नाम और नाम का अर्थ एक ही है, नाम दो है, ब्रह्मा ब्रह्म मा मन बड़ी मा और जगदम्बा जगत और उसकी अम्बा। सारे जगत में जो भी मनुष्य मात्र है, चाहे वो किसी धर्म विशेष के क्यों न हो, राक्षसी वृत्ति के ही क्यों न हो, वो सब की अम्बा है। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखा जाता है, माँ के कोई बच्चे बहुत ही आतताई होते हैं और कोई बच्चे बहुत श्रेष्ठ होते हैं, बुराई होते हैं। लेकिन आतताई बच्चों को क्या माँ चाहती है कि वो हमारी गोद से अलग हो जाए, बच्चा मेरे से दूर हो जाए? नहीं चाहती। बच्चा चाहे जितना दुखदाई हो, माँ उसका कल्याण चाहती। तो ब्रह्मा की सोल जिसके लिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए इनको जगदम्बा नहीं कह सकते। ये किसका कार्य भार संभालने के लिए मम्मा को तहसीलदारी जगदम्बा बना के नियुक्त कर दिया। लेकिन बलतन पुरुष का था, पुरुष का चोला था, तो भी उस आत्मा के द्वारा, माने दादा लेखराज के द्वारा, सुप्रीम सोल शिव ने जो पाठ बजाया, वो पाठ स्वमेव माता के रूप में लुदा हुआ था। दुनिया की कोई मिसाल आज तक नहीं मौजूद है, हिस्ट्री में भी नहीं मौजूद है कि कोई व्यक्तित्व ने या स्त्री चोले ने सहन शक्ति का इतना पराकाष्ठा का पाठ बजाया हो।
ही स्वभाव के यज्ञ में हुए। जिन्होंने मां की जान ले ली, हार्ट फेल कर दिया और मुसलमानों की परंपरा कायम कर दी यज्ञ में। मुसलमानों की परंपरा है मां बाप के होते हुए भी सत्ता जबरदस्ती अपने हाथ में ले लेते हैं। ब्रह्मा के रहते ऐसा यज्ञ में हुआ। शिव बाप ने मुरली में बताया, तुम बच्चे इस संस्था को रजिस्टर नहीं करा सकते, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से शेष्टाचारी गवर्नमेंट को रजिस्टर कराने का कोई मतलब नहीं। ये तो एक परिवार है, परिवार को कभी रजिस्टर नहीं कराया जाता। मुख से डायरेक्शन दिया, मम्मा उस समय शरीर छोड़ चुकी थी। मम्मा जो यज्ञ के अंदर यज्ञ की कंट्रोलर के रूप में कार्य कर रही थी, यज्ञ प्रशासिका के रूप में कार्य कर रही थी, वो उस समय मौजूद नहीं थी। मम्मा की दृष्टि इतनी तीखी थी कि आठ अटाई बच्चे उनकी नजरों से छुप नहीं सकते थे, तो बच्चे डरते थे। शक्ति स्वरूपिणी थी, लेकिन 66 में मम्मा के शरीर, 65 में मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा अपने को थोड़ा अकेला महसूस करने लगे। इन भिक्षु टिंडनों की चाल का उनको अनुभव होने लगा कि ये दुखदाई है, और उनको यज्ञ के आदि वाली आत्मा जो यज्ञ का वास्तविक तो फाउंडर थी, उनका भागीदार थी, लौकिक जीवन में भी भागीदार तो अलौकिक जीवन में भी भागीदार और पारलौकिक प्राप्तियों में भी भागीदार। शास्त्रों में भी रामचंद्र की आत्मा को सदैव साथ साथ दिखाते। राम वनवास हुआ तो भी कृष्ण को, वो राम के साथ लक्ष्मण को दिखाया गया। महाभारत और भागवत में भी कृष्ण के साथ बलराम को दिखाया गया। आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली एक ऐसी जोड़ी है जो मनुष्य शक्ति रूपी रंगमंच पर माता पिता का पार्ट बजाती है, हीरो और हीरोइन का पार्ट बजाती है। तो बाई चांस वो टाइटलधारी माता चली गई और आसुरी व्यक्तियों को यज्ञ में सिक्का जमाने का मौका मिलने लगा। उन्होंने येन केन प्रकार बाबा की दृष्टि बचा करके खास खास ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अपनी मुट्ठी में लेकर के वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ट्रस्ट की स्थापना कर दी, एक संस्था बनाई यज्ञ के अंदर, जिसके हाथ में यज्ञ की सारी सत्ता सौंप दी गई। आज भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी स्थायी अस्थायी प्रॉपर्टीज है, वो सारी उस वर्ल्ड न्यूअल ट्रस्ट के अंदर में चल रही है। और उस वर्ल्ड न्यूअल की ट्रस्ट की सत्ता आज से और अब तक भी एक व्यक्ति के हाथ में समेटी हुई है।
बहुत तेरे ब्रह्मा कुमार तो ये जानते भी नहीं है। वो समझते हैं कि बाबा ने तो बोला है शक्तियों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, माताएं ही इसे की कंट्रोलर है। ऊपर ऊपर से देखा जाता है तो समझा जाता है कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, सम्मेलन होते हैं, मेगा प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें माताएं बैठ करके भाषण देती है, तो समझते हैं इस यज्ञ की सत्ता उनके हाथ में ही होगी। लेकिन अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने स्पष्ट बताई दिया, पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन करके रहना है। गार्ड माना अंगरक्षक, बॉडी गार्ड बन के रहना है ताकि उनके साथ कोई आसुरी वृत्तियां हरकत न कर सके और यह कि कोई डावाडोल न कर दे। लेकिन कलयुग में और कलयुग की शूटिंग में क्या होता है, जो रक्षक होते हैं वही भक्षक बन जाते हैं। देखने के लिए आज भारत की पुलिस, भारत की अंदरूनी सत्ता की रक्षक है और रक्षक के रूप में तैनात है। लेकिन एक एक व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अभी भारत की पुलिस का क्या हाल है और नाम क्या रख दिया उसका, कौन इस माने सबसे जास्ती पोल पट्टी उसी में भरी हुई। ये बाहर की दुनिया की बात हुई, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जिन पांडवों को रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया उन्होंने ऐसी तिक्रम चलाई कि सारी सत्ता उन पुरुषों के हाथ में यज्ञ के अंदर सौंपी हुई है। कलकत्ते के रविंद्र भाई एडवांस पार्टी में आए भक्ति करने के लिए, कंपिल में भक्ति करने के बाद बड़ी सच्चाई से माउंट आबू पहुंचे कि दादी कंपिल में जो ज्ञान दिया जाता है वो 100% सच्चा है और उन लोगों को अगर इसी तरह यज्ञ से खदेड़ा जाता रहा, ब्रह्मा कुमारी आश्रमों से तिरस्कृत किया जाता रहा तो थोड़े समय के अंदर ही ये संस्था नेस्तनाबूद हो जाएगी। तो दादी ने मालूम क्या जवाब दिया, दादी जो मम्मा के स्थान को लिए बैठी है, मम्मा प्रैक्टिकल रूप में यज्ञ की प्रशासिका थी, नीति नियम कानून की शासन करने वाली थी, उसके बाद प्रशासिका बनकर कौन बैठा है, दादी प्रकाश मणि। हालांकि जब तक मम्मा मौजूद रही तब तक प्रकाशक और प्रशासक और प्रशासिका नाम निशान भी नहीं। उन भक्षक बनने वाले चाटुकारों ने मनमोहिनी जी को टाइटल दिया सह प्रशासिका और दादी को टाइटल दिया प्रशासिका, मुख्य प्रशासिका। तो यह था राजा तथा प्रजा, राजा ही कंट्रोल में आ जाएगा। जो अव्यक्तवाणी में बोला कि पांडव शक्तियों के रक्षक के रूप में रहे,
शक्तियों को डायरेक्शन न दे, अपने कंट्रोल में न चलाए। अगर पांडव ऐसा करेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। एक तरफ अध्यक्ष बाप दादा बोलते जा रहे थे और दूसरी तरफ वो बात प्रैक्टिकल माउंट आबू में पांडवों के द्वारा लागू हो चुकी थी। वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की स्थापना के बाद ब्रह्मा बाबा को 2 दिन पहले मालूम पड़ी जब उन्होंने शरीर छोड़ा और अंदर से उनको इतनी चिंता लग गई, हृदय डावाडोल होने लगा कि 2 दिन के अंदर ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। पहली जो बुलेटिन निकली है ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, उस बुलेटिन में ये बात लिख दी गई है कि ब्रह्मा क्लास करने के बाद रात्रि में ब्रह्मा बाबा के हृदय में दर्द हुआ और वो अपने कमरे में चले गए। डॉक्टर जब तक बुलाया गया और डॉक्टर आया तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। ये पहली बुलेटिन में ये बात दी हुई। तो बताया कि जो आसुरी बच्चे होते हैं वो बाप के न रहने पर माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं और मनमना आचरण करके परिवार की सत्ता को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए सुप्रीम सोल बाप को वो माँ का रूप वापस लेना पड़ता है। कौन सी माँ का रूप? जिसने सहन शक्ति का पराकाष्ठा का पाठ बजाया, जो दुनिया में आज तक न कोई बजा सका और न कोई भविष्य में बजा सकेगा। उस श्रेष्ठ मूर्ति को इस सत्य रूपी रंगमंच से उठा लिया। क्या नाम था उस मूर्ति का? ब्रह्मा बाबा। और रंगमंच कभी खाली नहीं रहता। जैसे जंगल कभी शेर के बगैर खाली नहीं होता, एक शेर जाता है तो दूसरा शेर आ जाता है। एक तरफ 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, कृष्ण वाली आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो दूसरी ओर 69 में ही राम वाली आत्मा व्यक्त रूप में रंगमंच पर जाने अनजाने ही हाजिर हो जाती। अव्यक्तवाणियों में 69 और 70 की अव्यक्तवाणियों में इस रात के स्पष्ट इशारे दिए हुए हैं। बोला है साकार स्नेह की याद में बच्चे बैठे हैं तो साकार स्नेह के रिटर्न में साकार स्वरूप मौजूद है। ये साकार स्वरूप सारे ब्रह्मा परिवार के लिए बहुत ही श्रेष्ठ पाठधारी है। सारे ब्राह्मण परिवार के लिए कल्याणकारी है। तो जो समझने वाले असली ब्रह्मत्व वाले बच्चे थे, ब्राह्मण स्व देवता बनने वाले पहले ग्रुप के बच्चे थे, उनकी बुद्धि में तो ये बात सहज ही आ जाती कि हाँ ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद
शिव सुप्रीम सोल जिसने मुरलियों में वायदा किया है, मैं अंत तक तुम बच्चों का साथ निभाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ साथ वतन में जाएंगे। तो जो आसुरी वृत्ति की आत्माएं थी, उन्होंने कहा अब तो गए, अब तो हमारी मुट्ठी में राजी आने वाला है, अब तो हम अपनी मनमानी करेंगे। मुरली में जो वाक्य बोला हुआ वो उनको भूल गया। मुरली में बाबा ने बोला था, ये तो उस दुनिया की बात है कि वहां एक गुरु चला जाता है तो उसका चेहरा गद्दी पर बैठ जाता है, यहां तो बाप कहते हैं ये सदगुरु जाने वाला नहीं है, ये तो एक ही तन के द्वारा बाप टीचर और सदगुरु का पाठ बजाता है, वो मुकर्रर रथ के द्वारा पाठ बजाता है। टेम्परेरी रथ की भी बात बताई गई है, लेकिन वो टेम्परेरी रथ आज में नहीं होता और अंत में भी नहीं होता, बीच में आता है और बीच में ही गायब हो जाता है। जो मुकर्रर रथ है वो आज में भी होता है और कार्य संपन्न करने के बाद इस सच्ची पर कायम रहता है। इसलिए बोला है मुरली में, इस सच्ची पर सदाकाल कोई चीज कायम होती नहीं, इस सच्ची पर सदाकाल कायम एक शिव बाबा ही है। ये नहीं कहा शिव बाप सदा कायम है, शिव बाप परमधाम वासी हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा, और ब्रह्मा बाप 84 जन्म के लिए बच्चों के साथ ही हो जाएगी। ब्रह्मा माने बड़ी माँ कृष्ण की सोल, और बाप माने राम की सोल, ये हीरो हीरोइन पाठधारी 84 जन्म में बच्चों के साथ रहेंगे। शिव सुप्रीम सोल साथ नहीं रहेगा, लेकिन शिव सुप्रीम सोल वापस जाने से पहले एक मूर्ति को, एक आत्मा को बाप समान बना करके वापस जाएगा। इसलिए कहा, लक्ष्य दिया, बच्चे का ऐसा पुरुषार्थ करना है, किसके समान बनने का पुरुषार्थ करना है, बाप समान पुरुषार्थ करना है, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में जो हीरो पाठधारी आत्मा बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी पने का पाठ प्रैक्टिकल में बजा कर जाती है, उसकी यादगार शक्ति पर हर धर्म में कायम है। मुसलमान लोग उसको आदम कहते हैं, अंग्रेज लोग उसे एडम कहते हैं, उसी आदि पुरुष को हिंदुओं में आदि देव कहा जाता है, तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, और जैनियों में उसको आदिनाथ कहा जाता है। तो वो सारी मनुष्य शक्ति का पिता है, क्योंकि मनुष्य शक्ति का रचयिता है, ऐसे नहीं कि मनुष्य शक्ति नहीं रची जाती है, पहले नहीं होती है, होती तो है, लेकिन सारी मनुष्य शक्ति जैसे मुर्दा हो जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, उन पत्थरों में उन मुर्दों में वो प्राण फूंकने आता है सुप्रीम सोल। इसलिए मुसलमानों में ये गायन है कि कयामत होने से पहले सारी रूहें कब्र दाखिल हो जाएंगी। कब्र दाखिल होना मना
मुर्दा हो जाना, माने बुद्धि मुर्दे में चल हो जाती है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये बिल्कुल बुद्धि में नहीं आता। जब ऐसी पत्थर बुद्धि हो जाती है तब वो पारसनाथ बनाने के लिए आता है। पारस के लिए गायन है कि पारस पत्थर लोहे के जिस वस्तु में लगाए दिया जाए, सच कर दिया जाए, तो वो वस्तु सोना बन जाती है। लेकिन ये सिर्फ गायन मात्र है भक्ति मार्ग का। पारसनाथ का मंदिर भी बनाया हुआ है जो इस बात की यादगार है कि परमात्मा शिव एक शक्ति पर आकर किसी मनुष्य के मुखर रथ में प्रवेश करके उसे पारसनाथ बनाता है, जिसके संसर्ग संपर्क में आने मात्र से ही मनुष्य आत्माएं बंदर से मंदिर लायक बनने लग पड़ेंगी। व्यक्ति मात्र से ही परिवर्तन होने लग पड़ेगा और अभी भी परिवर्तन हो रहा होगा, परसेंटेज की बात है। जब संपन्न स्टेज में पारसनाथ की प्रत्यक्षता होती है तो सारी शक्ति में जो आत्माएं परिवर्तन होने वाली है, देवत्व पद प्राप्त करने वाली है, 84 जन्म लेने वाली है, उनके मुख से जय जयकार निकलता है। और जो नहीं समझ पाते हैं वो हाहाकार करते हैं। तो बाप आया हुआ है, नंबर वाले बच्चे बाप की याद में बैठे हुए, एक ही शरीर में दो बाप बैठे हुए हैं, एक आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप, और एक मनुष्य शक्ति का बाप। आदम एडम या प्रजापिता, शास्त्रों ने उसका नाम प्रजापति दे दिया। वो शूटिंग पीरियड के लास्ट घड़ी की बात है, जब सारी मनुष्य शक्ति ये जान जाएगी कि वो चोला जिसमें सुप्रीम सोल आता है वो सारी मनुष्य शक्ति का रक्षक है। पति माना पाती, रक्षा करने वाला। आखिरी शक्तियों से रक्षा करने वाला है, जिसके लिए गीता के श्लोक में बोला हुआ है, धर्म संस्थापना थाय विनाशाय च दुष्कृतम्। दुष्ट कर्म करने वालों का नाश करने वाला है। बाहर की दुनिया की बात बाद में है, पहले है ब्राह्मणों के यज्ञ की दुनिया की बात। चाहे वो बेसिक नॉलेज में चलने वाले ब्राह्मण हो और चाहे वो एडवांस नॉलेज में चलने वाले ब्राह्मण हो, चाहे वो बीज रूप आत्माएं हो, चाहे आधार मूर्त जड़ वाली आत्माएं हो, और चाहे बाहर की दुनिया के हो, तीन दुनिया प्रसिद्ध है। तीनों दुनिया में एक से एक बढ़कर के असुर समाये हुए हैं और तीनों ही दुनिया में एक से एक बढ़कर के देवत्व पद प्राप्त करने वाली आत्माएं समाई हुई। इसलिए मुरली में बोला है, अच्छे से अच्छे देखना हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देखना हो तो यहां देखो,
और बदतर से बदतर पार्ट बजाने वाले देखना हो तो यहाँ देखो, कहाँ ब्राह्मणों की यज्ञ में। लेकिन वो बात सबका बाप है। और सबका कल्याण करने वाला है, असुरों का दमन करता है तो भी उनका कल्याण होता है, और देवात्माओं की रक्षा करता है तो उनका कल्याण तो है ही है। इसलिए शास्त्रों में एक ही मूर्ति ऐसी है जिसको राक्षस भी अपने पिता के रूप में मानते हैं और देवताएं भी अपने पिता के रूप में मानते हैं। राक्षस भी उसकी पूजा करते हैं और देवताएं भी उसकी तपस्या करते हैं, दोनों में समान रूप से मान्यता प्राप्त है। विष्णु देवता देवताओं का ही संरक्षण करता है, लेकिन शंकर को राक्षसों का, दानवों का और देवताओं का भी पिता माना गया। उसकी दृष्टि में सब समान है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्याय करने वालों के साथ अन्याय करता है, नहीं। कलयुग के अंत में सारी मनुष्य शक्ति असुर बन जाती है। तो ऐसे नहीं कि जो देव आत्माएं आसुरी पर पाट बजाती है कलयुग के अंत में संघ के रंग में आकर के उनके ऊपर रहम कर देता है, नहीं। अगर ऐसा किया होता तो ब्रह्मा बाबा की खांसी ठीक हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं किया। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिलता है। चाहे वो देवत्व पद पाने वाली आत्मा हो और चाहे वो राक्षसी कर्म करने वाली आत्मा, उसकी नजर में तो सब कुछ है। वो हरेक की कर्म कहानी को जानता है, लेकिन पक्षपात किसी के साथ नहीं करता। अभी वो बाप आया हुआ है, तुम बच्चे उस बाप की याद में बैठे हो तो पूछते हैं, मूल्य में ही कभी कभी पूछते हैं, बच्चे बाप की याद में बैठे हो? सब कहने से हाँ बैठे हैं। उस बाप से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है, माने भ्रष्ट मत देने वाले सारे ही मनुष्य गुरु हैं और श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही है। इसलिए बताया हर घर में ये स्लोगन टांग दो, एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति, श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। ओम शांति।